दिवाली पर नहीं बढ़ेगा एसटी बसों का किराया। प्रदेश में दिवाली की छुट्टियों के दौरान हर साल बढ़ने वाले टिकट की दर पर इस बार एसटी महामंडल की अस्थायी टिकट किराया वृद्धि को रद्द करने का लिया गया निर्णय। कोरोना से अब राहत की खबर, अब केवल 4530 मरीज ही एक्टिव पेशेंट, तो वहीं 5621 नेगेटिव, तो सिर्फ 5% ही हैं पॉजिटिव मरीज। रिकवरी रेट पहुंचा 91.95% के करीब। मौसम में खुली ठंडक, दिन रात के तापमान में 16 डिग्री का आया अंतर। गुरुवार को 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार यानी 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। चंद्रमा की किरणों से आज रात होगी अमृत की बूंदे। तो वहीं पोदारेश्वर राम मंदिर में दमा अस्थमा की आयुर्वेदिक औषधि का होगा निःशुल्क वितरण। विशेष विधि से तैयार खीर के साथ शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा दवा का वितरण। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मार्ग का केंद्र बिंदु समझे जाने वाले सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन को इंडियन ग्रीन मेट्रो के 13 स्टेशनों को मिला है प्लैटिनियम का दर्जा। विकास का एक और तमंगा लहराया। आम जनता के लिए राहत भरी खबर, जमाखोरों में स्टॉक लिमिट का डर, 10 रुपए किलो तक घटे प्याज के दाम। सरकार के हस्तक्षेप के बाद बाजार में बढ़ने लगी है आवा। खुदरा में 80 से 90 रुपए किलो बिकने वाली प्याज के दाम घटकर पहुंचे 60 से 70 रुपए किलो। बिकने वाली प्याज के दाम घटकर पहुंचे 60 से 70 रुपए किलो। बेलतरोड़ी पुलिस ने कबाड़ी सहित 3 चोरों को किया गिरफ्तार। कबाड़ी सहित 3 चोरों ने से लिया 8,81,000 रुपए का माल। केबल तार चुराने में माहिर आरोपी लंबे समय बाद लगा पुलिस के हाथ। मनपा के एनडीएस दल ने गुरुवार को बिना मास्क लगाए घूमने वाले 283 लोगों पर कार्रवाई कर 1,71,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। आपको बता दें कि अब तक 15,516 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई।